हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुहब ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूँ जयंत। तो दोस्तों, आज मैं आपसे स्टेनोग्राफर 2018 के नए अपडेट्स क्या आए हैं उसके बारे में बात करूँगा। तो दोस्तों, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें कुछ पॉजिटिव कमेंट और कुछ निगेटिव कमेंट आते हैं। मैं उन दोनों बच्चों की बातों को ही ध्यान से सुनता हूँ, समझता हूँ और फिर मैं उनका रिप्लाई भी करता हूँ। तो दोस्तों, एक निगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि अभी तक आप लोग जो दूसरे चैनल्स पर जाते हैं और वहाँ से जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है उसको लेकर आप अपने माइंड के अंदर जो एक पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं वो बहुत ही गलत है। जैसे कि स्टेनोग्राफर से रिलेटेड आप लोगों का मानना है कि 40% वाले अभ्यर्थियों को भी जो है मौका दिया जाएगा, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आई नो कि 40% वाले जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत बुरा लगता होगा मेरे इस वर्ड से, लेकिन ये मेरे वर्ड नहीं है, जो बोर्ड ने अपडेट किए हैं मैं उस चीज़ों को ही बताता हूँ। और हो सकता है इससे मेरे बहुत सारे व्यूवर्स को जो है ठेस पहुँचती है, वो डिसलाइक भी करते हैं वीडियो को, लेकिन मैं हमेशा राइट इन्फॉर्मेशन ही आपको डिलीवर करता हूँ दोस्तों। जो अपडेट्स आते हैं उन्हीं को ही मैं बताता हूँ। फिर मैं दूसरी बात करूँ दोस्तों कि आपके स्किल टेस्ट कब हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूँ कि इसी मंथ अक्टूबर के अंदर आपका स्किल टेस्ट 100% हो जाएगा, और इसी मंथ यानी अगस्त के महीने में ही आपके पास गाइडलाइन आ जाएगी जिसके अंदर स्पष्टता सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएगी। साथ ही कल मेरे से एक व्यूवर ने पूछा था कि सर, पीएच कैंडिडेट के लिए क्या स्किल टेस्ट में कुछ रिलीफ मिलेगा? यस फ्रेंड्स, ज़रूर मिलेगा, लेकिन वो क्या मिलेगा और कितना मिलेगा वो मैं आपको जो है जैसे ही गाइडलाइन आएगी उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करने के बाद ही समझा पाऊँगा। अभी से मैं कोई हवा में आपके साथ बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फॉर श्योर इसी मंथ यानी अगस्त के अंदर आपकी गाइडलाइन आ जाएगी और जो है अक्टूबर में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करो दोस्तों। गाइडलाइन आज नहीं तो कल आने वाली है, एग्ज़ाम आपका अक्टूबर से आगे नहीं घिसकेगा, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करते रहो। 100 वर्ड पर मिनट एक बहुत बड़ा टास्क है, एक छोटा टास्क नहीं है, एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही लेवल का टास्क है। तो उसको कवर करने के लिए कॉन्सेंट्रेट चाहिए, एकाग्रता चाहिए, आपको बैठना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके एग्ज़ाम क्लियर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।